ये लोकेशन जरा बता दीजिए। ये लोकेशन है कालांगुट बीच है। ओके, ये गोवा का मेन बीच है, इसे नाम दिया क्वीन ऑफ गोवा। ओके, क्वीन ऑफ गोवा बोलेगा तो कोई भी समझ जाता है। ओके, ये पूरा पार्किंग एरिया है। ओके, और आपके आपका जो ऑफिस का नाम वगैरह बता दीजिए। टूर एंड ट्रैवल्स नाम से है ना। बिपाशा टूर्स एंड ट्रैवल्स। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिटेल्स दे दूंगी। तो आपके पास कौन से कार्स अवेलेबल है? कौन मेरे पास सब इनोवा है, अर्टिगा है, डिजायर है। एक मिनट मेरे को जरा बता दीजिए। ये टेम्पो ट्रैवल है। ये टेम्पो ट्रैवल सब ले लो फोटो। ओके, ये टेम्पो ट्रैवल है। टेम्पो ट्रैवल है। SML है। SML है। ओके, और डिजायर है। ओके, और अर्टिगा है। ओके, सो डिजायर और अर्टिगा भी है। तो कितने सीटर्स है वो भी बता दीजिए सर। 20 सीटर है ये वाला। ये 20 सीटर है। हाँ, ये 17 सीटर है। ये 17 सीटर। ये 26 सीटर। ओके, और ड्राइवर के साथ आप फैसिलिटी सर्विस देते हैं। ओके, तो कितना है कॉस्ट, कितना आता है? मतलब जैसा गेस्ट का चॉइस रहता है ना, उसको एयरपोर्ट पिकअप करना है, ड्रॉप। चार लोगों के लिए 4 सीटर अगर डिजायर, तो कितना प्राइस है? कितने बजे से कितने बजे तक है ना? गैस का क्या इंक्वायरी है? जैसा एयरपोर्ट पिकअप है, ड्रॉप है, साइट सीइंग है। ओके, तो अच्छा, तो मुझे बताइए अलग के लिए अलग अलग प्राइस देते हैं। ओके, तो एयरपोर्ट से अगर पिकअप और ड्रॉप है, एयरपोर्ट का पिकअप मान लीजिए हम लोग डिजायर का डब्ल्यूएम एयरपोर्ट का 1500 लेता है और मोपा एयरपोर्ट का 1300 रुपये लेता है। ओके, और रेलवे स्टेशन से अगर मडगांव रेलवे स्टेशन से पिकअप, इनोवा बिनोवा मांगते हैं तो उसका 2000 लेता है इनोवा का। और फोर व्हीलर भी बेचते हो ना छोटा? इसका 4000 है। टेम्पो ट्रैवल का 20 सीटर का 4000 है, 17 सीटर का 3500 है। ओके, और आपने बोला ड्राइवर के साथ छोटी गाड़ी होगी तो पार्किंग भी सब इसमें इंक्लूड हो गया। सब इसमें इंक्लूड हो गया। इवनिंग में ज्यादा चार्जेस लगते हैं क्या? समझ लो 10 बजे के बाद रहेगा ना तो 500 का एडिशनल चार्ज रहता है, वो ड्राइवर को चार्ज देना पड़ता है नाइट का। लेकिन वो कस्टमर से आप लोग लेते हो या पहले बात करते हैं? ऐसा कस्टमर देगा या कोई हमारा ट्रैवल एजेंट भी रहता है वो देगा गेस्ट के पास लेने का। और ये कितने बजे के बाद? ये 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद इवनिंग के 8 बजे के पहले। अच्छा, तो फिर इवनिंग चार्जेस लगते हैं। और ये ऑफिस में अब बुकिंग अगर किसी को कराना हो तो कैसे? ऑनलाइन लेते हैं ना, वेबसाइट है ना। ऑनलाइन वेबसाइट, वो भी बता दीजिए क्या वेबसाइट का नाम है? रेंट अ कार इन गोवा। रेंट अ कार इन गोवा। अच्छा, और पेमेंट कैसे लेते हो आप लोग? ऑनलाइन, गूगल पे, बैंक है, जो भी है। और कितना पेमेंट, प्री पेमेंट करना पड़ता है? कितना परसेंट करना? एक्चुअली क्या, अगर समझ लो एयरपोर्ट का अगर पिकअप करना है तो हमने 4000 बोला तो हम लोग 4000 करना पड़ता है ना। अगर पैकेज का रहता है, किसका बुकिंग रहता है तो आधा पहला लेते हैं हम लोग, आधा जब एयरपोर्ट पहुंचेगा उसका पहला पूरा बाकी का। तो अभी सोचो कि कोई ट्रेन से आ रहा है तो आपको कितना पेमेंट पहला देना पड़ता है? आधा पेमेंट करना पड़ता है। 50% आप प्री पेमेंट लेते हो और उसके बाद गेस्ट जब तक हम होटल पहुंच गया तो पेमेंट पूरा क्लियर करना, पूरा क्लियर कर। और उसका इन्वॉइस वगैरह कुछ देते हो, पेमेंट जो किया है उसका स्लिप देते हैं ना? स्लिप देते हो उसमें। अच्छा, और फाइनल पेमेंट करने के बाद जो भी है वो फाइनल इतना अमाउंट होगा उसका स्लिप मार के दे देते हैं। अच्छा, और टू व्हीलर्स भी रखते हो? हाँ, टू व्हीलर सब हमारा देख, मैं लाइन दिखा, वो भी जरा बता दीजिए। अच्छा, इसके पीछे आपका घर है? हाँ, अंदर देख, गली के अंदर देखो, वो भी सब हमारा ही है। ये जो बाइक है सब हमारा है और उसके जो पीछे है ना ये पार्किंग है हमारा, वो उधर लगा है। तो ये रेंट बाइक भी करते हैं? हाँ, रेंट बाइक, एक आदमी के रेंट बाइक बोलेगा तो एक आदमी का 20 गाड़ी का परमिट मिलता है, 20 के ऊपर नहीं परमिट नहीं मिलता, तो हम लोग 5 भाई हैं, 5 का 20 है। ओके, मतलब अगर बाइक रेंट करना हो तो कितना बाइक रेंट बोलेगा? तो अलग डिपेंड है कि कौन सा गाड़ी आप ले रहे हैं। फैसिनो का भी रेट चल रहा है 500 रुपया एक दिन का। ओके, और एक्टिवा लेगा तो 400 रुपया चलता है। 400 रुपया एक दिन का? एक दिन का। Okay. एक दिन बोले, दो दिन बोलेगा तो 24 आवर्स, एक दिन बोलेगा तो 12 घंटा। उसमें उसमें कोई डिस्काउंट वगैरह भी है? ये फाइनल रेट देते हैं हम लोग, ये फाइनल। ट्रैवल एजेंट नहीं है, हम सीधा बोल दिया ना, हम लोग ट्रैवल एजेंट नहीं है, हम खुद धंधा करते हैं। गाड़ी भी मेरा है, बाइक भी हमारे है। ओके, ओके, तो कार्स हो या बस हो या कुछ भी हमारे पास, रेंट में कार भी देते हैं हम लोग, कार भी देते, जिप्सी है। ओके, जिप्सी है। सामने जो ये पार्किंग है सामने दिख रहा है वो हमारा ही कार है। ओके, ये भी है, थार भी है हमारे पास। कार्स जरा बता दीजिए कौन से मॉडल वाले? ये न्यू मॉडल है, पूरा पुराना रखता है, 5 साल। ये कौन सा मॉडल है? ये 2020 का रहेगा। अच्छा, ये वाला, ये भी हमारा है, ये 6594। और थार भी मेरा है, 311।
किसी को अगर थार लेना हो तो कितने में आएगा? 2000 लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये थार है, ये थार है 3111 कितने में आएगा? 2000 लेता है एक दिन का, रेंट पे मांगता है एक दिन का। सेल्फ ड्राइव के लिए उसका डीजल जो वो लोग देते हैं उसका किलोमीटर भी हम लोग नहीं नोट नहीं करते। ओके ओके, तो ये सारे मॉडल, ये सारे आप ही के हैं? नहीं, ये मेरा नहीं है, 9609 मेरे दोस्त का, मेरा नहीं है 9609। ये पाकिस्तान 3736 5262 6554। ओके ओके, ये सारे व्हीकल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और आपका नाम क्या है? मेरा जितेन, जितेन परलेकर। ओके, तो डायरेक्टली बुकिंग करने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं या तो आप बता दीजिए नंबर, मैं स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगी। 9529445365। ओके फाइन। कालांगुट बीच है, गोवा का मेन डेस्टिनेशन है, इसे क्वीन ऑफ गोवा बोलते हैं। हाँ, तो हर गेस्ट जो आता है ना गोवा में बिना इसके देखे जाता ही नहीं, ये मेन है। अच्छा, ओके ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये थार जो देख रहे हो आप, सिर्फ ये डीजल है, बाकी सारी गाड़ियाँ पेट्रोल पर है। अच्छा, ये गाड़ी आप देख सकते हो। ये कार अंदर से भी दिखा देते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत कम हो गया। तो जरा व्यूवर्स को भी बता दीजिए ऑफ सीजन कौन से होते हैं और कभी? जून, अभी 10 तारीख को जो बीच में जो वाटर स्पोर्ट्स है वो भी चालू हो जाएगा। अच्छा, 1 तारीख को बंद हुआ था। हाँ, अभी 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 दोस्त ने इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि अगला महीने का 10 तारीख को पूरा चालू हो जाएगा वाटर स्पोर्ट, बीच शेक जो रेस्टोरेंट जो रहता है। और प्राइजेस भी चेंज होते हैं, मतलब वाटर स्पोर्ट है ना, गवर्नमेंट का परमिशन मिलता है तभी हमको परमिशन मिलता है, उसको पहले हम लोग नहीं डाल सकते। अच्छा, लेकिन प्राइसेस भी वेरी करते हैं, मतलब ऑफ सीजन में कम प्राइस और सीजन में ज्यादा, ऐसा बाइक में ज्यादा नहीं होता, इसमें तो थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, सिर्फ 200-300 रुपए का फर्क पड़ेगा। चलो खोल के दिखाते हैं, तो आपको गाड़ी अंदर से भी दिखा देते हैं। और ये कौन सा मॉडल है? 2020 का मॉडल है। ये 23 का है ना? सॉरी, वो पुराना है। ये 23 का है, अभी अभी लाया इसको हमने। ये कौन सी गाड़ी है? ये स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट। ये स्विफ्ट डिजायर है। स्विफ्ट है। सॉरी, ये स्विफ्ट है। 2023 का मॉडल है। और इंटीरियर्स आप देख सकते हो गाड़ी के। काफी क्लीन। किसका भी ले लो। गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, अंदर से देख लीजिए सीट वगैरह, चारों तरफ एक बार एक पूरा व्यू ले लेते हैं। इसका भी ले लो, ये भी बड़ा 23 गाड़ी है हमारा। हाँ, वो भी बता दीजिए। तो इस नाम से है, बिपाशा टेम्पो ट्रैवल है ये, अंदर से देख लेते हैं। ये कितने सीटर का है? 20 ये 20 सीटर है। और ये कभी का मॉडल है? ये 2018 मॉडल है। अच्छा, ये 2018 का मॉडल है, लेकिन फिर भी वेल मेंटेन्ड है, नीट एंड क्लीन देख सकते हो आप, सामान वगैरह रखने के लिए सब ऊपर जगह है। तो अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो ये टेम्पो ट्रैवल बुक कर सकते हो आराम से। ओम साई के नाम से ये, तो ये 17 सीटर। ये मैं अंदर से भी ले लेता हूं। ये कौन सा मॉडल है? ये 2016 के आसपास है। 2016 का मॉडल है ये। फिर भी काफी नया ही दिख रहा है। अंदर से भी देख लेते हैं। मैं तो 1.5 लाख खर्चा किया। अच्छा, हां, पूरा मैं थोड़ा पुराना हो गया था, अंदर से पूरा चेंज किया हमने, तो एसी बीसी पूरा चेंज, सीट बीट सब चेंज करके लाया उसको। अच्छा, ओके। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 दिन हो गए।
और ये अगर बुक करते हैं बड़ी व्हीकल या तो डिस्काउंट वगैरह कुछ मिलता है देते हो? चार पाँच दिन के लिए वो तो ऐसे बड़ी गाड़ी हो गए और छोटी गाड़ी अगर स्विफ्ट डिजायर जैसे फाइनल रेट बोल देते हैं मैडम। अच्छा ओके ठीक है, लेकिन कुछ कम कर देते राइट, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है? ओके ठीक है, थैंक यू। बलेनो बलेनो ये बलेनो देख सकते हो आप, ओपन कीजिए ना पीछे डिक्की में देख लीजिए, अच्छा स्पेस है। ये कौन सा मॉडल है? 23 का सेम है ना, ये भी अंदर से देख लेते हैं। अगर ये एक दिन के लिए बुक करेंगे तो कितना क्या प्राइस में आएगा? 1500 में फॉर वन डे, और ये ड्राइवर के साथ और अच्छा, लेकिन सेल्फ ड्राइव है क्या ये? सेल्फ ड्राइव तो आपकी कोई भी जो भी गाड़ी है वो सारी सेल्फ ड्राइव है? नहीं नहीं वो बड़ी नहीं है, छोटी वाली बोल रही हूँ। हाँ ड्राइवर है ये भी, ड्राइवर है, मैं छोटी वाली गाड़ी का बात कर रहा हूँ। ये भी सेल्फ ड्राइव के लिए। अच्छा ये देखो येलो विद ब्लैक है। हाँ विद ड्राइवर है। अच्छा विद ड्राइवर है, अच्छा तो ये एक बात इम्पोर्टेंट है आप नोटिस करेंगे तो, ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है आपको ये विद ड्राइवर है, ये विद ड्राइवर है, और इस तरीके का जो दिख रहा है ये ब्लैक में और येलो के हाईलाइट्स में ये सेल्फ ड्राइव है, बराबर ना? अच्छा जिसने भी गाड़ी ली है उसको ड्रिंक एंड ड्राइविंग करने का ही नहीं गोवा में। हाँ हर जगह नाके के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर पुलिस रहता है। करेक्ट, ऐसा फाइन मारेगा ना कि मतलब क्या, आपका रेंट पे लिया वो कम हो जाएगा और फाइन ज्यादा हो जाएगा। हाँ करेक्ट, नहीं वो तो जाहिर सी बात है, वो हर एक जो भी इंसान आता है उसको वो चीज़ तो मेंटेन करना ही पड़ता है कि डिसिप्लिन है तो रेगुलेशंस तो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच। ये SML है और ये 40 सीटर है, वो आपको अंदर से भी दिखा देते हैं कैसा है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो ओशन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार है, यहाँ पे आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियंस के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। उल्पी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट है, अंदर साउथ इंडियन पंजाबी चाइनीज ये सारे क्विजींस मिलेंगे आपको। साई सागर करके रेस्टोरेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हो, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको आप देख सकते हो ये वाला। ये भी है ना आपका सब अलग अलग प्राइस है तो अंदर से मैं गाड़ी एयरपोर्ट जाके आया है। अच्छा अंदर से आप ये देख सकते हो, क्या बोल रहे हो सॉरी, अच्छा 6+1 अच्छा ओके ठीक है। ये थार का भी एक क्लोजर व्यू दे देती हूँ आपको, अंदर से आप देख सकते हो।
थैंक यू सो मच। तो इस तरफ अगर आप जाओगे तो ये कलंगुट बीच का एरिया है और ये आप देख सकते हो पार्किंग एरिया। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो रेंट अ बाइक, ये ओनर है, आपका नाम मलिक और ये सुनील करके नाम लिखा है, किसका है, दूसरे का है, अच्छा आपका एक ही है क्या, अच्छा ठीक है। ये मुझे ज़रा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे ये रेंट अ बाइक के बारे में? लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस और आईडी कार्ड, पर डे होगा 500। आईडी कौन सा आईडी? आधार कार्ड लगेगा। ओके, विदाउट लाइसेंस गाड़ी नहीं मिलेगा। ओके, कंपलसरी। ओके, पर डे होता है 500 मॉर्निंग से लेकर इवनिंग 8 o'clock तक, 8 PM। ओके, मॉर्निंग से 8 PM तक और सारे दिन अवेलेबल है? सारे दिन। ओके, तो ये टू व्हीलर्स आप देख सकते हो यहाँ पे सारे पार्क किए हुए हैं। और इस तरफ ये आपके नहीं है, हमारा ही है, आप लोगों का ही है? नहीं, आपने बोला अभी वो सुनील करके जो नंबर दिया है, आप लोग एक ही है, अच्छा। तो किसी को यहाँ पे आना है, बुक करना है तो कैसे बुक कर सकते हैं? लाइसेंस लेके आना, कितना जन गाड़ी लेगा उतना लाइसेंस, हाँ कितना गाड़ी लेंगे उतना आएगा। ओके, लेकिन बुकिंग कैसा करना है? इधर से पिकअप और ड्रॉप होता है, तो अगर बुक करना है, प्री बुक करना है तो वैसा नहीं होता है। तो जिस दिन किसी को गाड़ी ये टू व्हीलर चाहिए उस दिन आके आपको पैसा कौन आप कलेक्ट करते हो, बताएंगे क्या कैसा रहता है बिल? आधार के अलावा और कौन सा आईडी कार्ड लगता है? वोटर आईडी, पैन कार्ड, मतलब कोई भी एक लेते होंगे ना आप? आधार, वोटर आईडी या पैन कार्ड, कोई भी एक, अच्छा ठीक है। तो ये जो है वो बिल है, वो यहाँ पे आप आके बुक कर सकते हो। और कितना पे, पूरा फुल पेमेंट लेते हो आप? अच्छा, तो 100% पेमेंट ये एडवांस लेते हैं और उसके बाद ही आप बाइक जो चाहिए आपको टू व्हीलर वो पिकअप कर सकते हो। इसमें कलर में डिफरेंस है तो प्राइस में भी वेरी करता है? प्राइस सेम रहता है, 500 रुपया पर डे। अच्छा, पर बाइक का 500 रुपीज़ है, तो एक बाइक का 500 रुपीज़ है। तो आप कपल भी हो तो आके 500 पे करके ये टू व्हीलर पूरे दिन के लिए आप ले जा सकते हो। टाइमिंग्स भी बता दीजिए ज़रा। 12 hours होगा, मॉर्निंग 7 o'clock से लेट o'clock। अच्छा, मॉर्निंग 7 to 8 इन द इवनिंग, लेकिन आपको यहाँ पे ही आके बाइक यहाँ पे आके टू व्हीलर्स आपकी पार्क करनी पड़ेगी, यहाँ पे आके उनको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, और ये पेट्रोल भी है क्या? पेट्रोल आप सेल करते हो? पेट्रोल 120 पर लीटर। अच्छा, तो अगर आपको पेट्रोल खरीदना है तो वो भी आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो। अगर कोई टू व्हीलर डैमेज हो गई, ठीक है, तो उसका क्या चार्जेस लगता है वो भी बता। हाँ, जो पार्ट्स अपने लायक होते हो उसका प्राइस क्या होगा? अच्छा, तो एक बेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हो और टू व्हीलर रेंट पे लेते हो तो एक तो आप फ़ोटो ले लीजिए टू व्हीलर का और साथ ही साथ एक वीडियो ले लीजिए पूरा, ताकि अगर कुछ डैमेज वगैरह हो तो कोई आपको दिक्कत ना हो, उस हिसाब से आप एक वीडियो ले लीजिए तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। आप नंबर यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, रेंट अ बाइक, सुनील करके नाम है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, दोनों ही एक्टिव है नंबर्स। ये लोकेशन कहाँ पे एग्जैक्टली? कलंगुट बीच। कलंगुट बीच, अच्छा, ये बीच की तरफ जो जाता है रोड उसी तरफ में है। अच्छा, ये टू व्हीलर आपने बोला 500 तो लेते ही हो आप, लेकिन अगर कोई बड़ा ग्रुप आता है गोवा में घूमने के लिए तो कोई डिस्काउंट है? 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए लेता तो 450-400 के हिसाब से कर देते। 450-400 पर डे के हिसाब से। अच्छा, तो कोई ये ऑफ सीजन में आएंगे तो
डिस्काउंट देते हो आप सीजन में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अच्छा दिसंबर में एक्सपेंसिव होता है गाइस, तो दिसंबर में थोड़ा डिस्काउंट मिलना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनका भी वो नुकसान हो जाएगा अगर वो डिस्काउंट अगर देंगे दिसंबर सीजन में। लेकिन बाकी के टाइम पे ऑफ सीजन में अगर आप आते हो तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब जैसे आप इन्होंने बताया 450 में आप ये बाइक जो भी है टू व्हीलर आप रेंट पे ले सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने वीडियो में देखा जितना हो सके मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हें और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यहाँ पर अगर आप आओगे तो बुकिंग्स वगैरह ये सारे डिटेल्स उन्होंने आपसे शेयर किए हैं। वीडियो यहाँ तक अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो पोस्ट करती हूँ और आपने बेल आइकॉन को नहीं दबाया तो आप तक वो वीडियो नहीं पहुँचेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। Para mi gente.